कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, ये 10 रुपया पुरस्कार हुआ, लिखे नहीं जाएंगे। और दो वो लाल हमें उसके बाद अरे कलंगा जट्टी गए रे दिल्ली अबाल, ये कलंगा जट्टी हमें बहु दिया जाने और अनि बराबर की लाड़ी है, कोई काऊ मेरे कमती ना है। हेलो, कहाँ जा रहे हो? क्या मामा, जा बता तू दर्शन को जा रहा है? मामा जी अभी तो तुम मेरी भेंट चढ़ा रहे थे। अरे तुम्हारा शरीर है वो का परदेशों की बात है, मैं तुम्हारा बल अजमा रहा था, का उस लड़ाई झगड़ा हो जाए कहूं भाज ठाड़े हो, भला बताओ कोई भांजे की भेंट चढ़ा तो। अच्छा मामा मुझे पक्का कर रहे थे? हम तुम्हें पक्को कर रहे, तुम्हें अजमाए रहे, परदेशों की बात है इसलिए मैं तुम्हें भला मार सकते? खैर मामा मैं तुम्हें नहीं मार सकता था, तुमने मुझे बचपन से पाला है। हाँ ऐसा नहीं कर सकते थे, आज हम तेरी भेंट कैसे चढ़ाए देते? मामा जी कोई बात नहीं, मैंने वैसी मजाक किया था। मामा जी आगे क्या है? आगे शहर कश्मीर है। और यहाँ पर मामा जी तुम क्या करते थे? हम जब भी जहाज लेकर के धंधा करने आया करते थे, तो जब हम यहाँ से आगे बढ़कर के कश्मीर में जब प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर हवन पूजा करके उसके बाद में जाते हैं। ये हवन कुंड बने हुए हैं। मामा जी हाँ ऐसा काम करो, क्या तुम जब आते थे हो तो यहाँ पर हवन करते हो? हाँ हवन पूजा करके तब जाते हैं। तो ऐसा काम करो, क्या आज तुम पढ़ सो जाओ, मैं हवन करेंगे आज। तुम हवन कर लियोगे? हाँ कोई बात नहीं, हम आराम करेंगे। लेकिन एक बात है, क्या जहाजों में जितनी भी मेवा भरी है थोड़ी थोड़ी सब मेवा चढ़ा देना, थोड़ी थोड़ी सारी सब सामग्री चढ़ा देना। हाँ सब में से चढ़ा दे। हाँ हाँ सारी ना दे। अरे नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ी थोड़ी सब चढ़ा देना। ठीक है, राम करे सोई होए उन जहाजन के बीच में, सुबनिए गए सुख निदिया में। इधर बोल राजा नल, क्या काम करता है? हवन करने की जाग लगाता है कि चाकू लेना हाथ में, नल ने ना देर लगाइए उन दादन के बीच में, मेवा हरन की जाग लगा। उस्ताद दो चार कौर नल में मेवा खाई, थोड़ी मेवा अपनों पे चढ़ा, सारी मेवा समुद्र में ढकिया, मेवा कछ मच ने खाई, कछुआ करे जुग जुग जियो मन्ना के कनाई। ये राय सिंह उत्तरपुर निवासी, ये 10 रुपए हमारी चलती सीन पर दे रहे। और हमारे राय सिंह भैया हैं सोतेपुर के रहने वाले कलमबंद, 10 रुपया देते हैं और कह रहे ढोले ही होएगो कुछ नहीं होगा।
कछुआ करे जुग जुग जियो मन लाके तना तुमने बेबा को जल में इधर सुबह हुआ के भोर भयो रवि किरण प्रसारी नर नारी की खुल गई तारी तिरियन ओढ़े चीर मरद ने पाग संहारी के बनिए जग जहाजन पह जाए इते उते को बनिए देखे सो राजा लटकू नजर पड़त है जब राजा नल को नहीं देखा जहाजों पर कहीं विचार करने लगे हे भैया पवन कुमार हैं ग्राम पहरैया के रहने वाले चकिया वाले 10 रुपया देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया भैया राजा नल का पता नहीं है और भैया जी मेवा मिष्ठान भरी तिशो कुछ नहीं जा जो में ईट गुट्टी भरी पड़ी है बताओ अब हम तुम धंधा कैसे करोगे जाइए से देखिए देख के आए तो पल्ली वाली कुटरिया में तो ना पर हुआ दूसरी कुटरी में हुआ जाइए ठीक है ओ भांजे नलुआ अरे गहरी नींद में सोए रहो है अरे नलुआ अरे लौड़ा मामा तुमने कच्ची नींद क्यों जगा दिया क्यों कोई बात हो गई क्या बताओ जहाजन में मेवा मिष्ठान भरी सो कहाँ गई जा मैं जो ईंट पत्थर भरे मामा जी तुमने ये कहा था थोड़ी थोड़ी मेवा चढ़ा देना मुझे कुछ आनंद आ गया मैंने ओम गणपति ओम नमो स्वाहा तो हमने जा थोड़ी गई कि सब मेवा एकदम ओम गणपति सब स्वाहा कर दे क्यों मामा जी क्या हुआ तैने सब मेवा चढ़ाए दी अब हम धंधा कैसे करेंगे क्यों और ये हमारी गौरव भैया हमारी यादव जी हमारे दौलत कुंड वासी हैं और ये वीरेंद्र सिंह भैया हमारी यादव जी हमारे हैं ये 100 रुपए दे रहे हैं 50 रुपए बोले अब से क्या दो मास्टर साहब टोलम छन मांग रहे हैं मास्टर अरे मेरे बलवान
पहचान तो पाई मगर पहचान ना कर पाई बात पहचान कर पाई। जे ईंट गुट्टी बात दाए है तूने है काय से धंधा होए वो ये मामा ईंट गुट्टी नहीं है। और ये रंजीत भैया हमारी ही ये 50 रुपए तेरे मास्टर है फरमाए सारी उनकी